हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक के ऊपर, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आपको चर्चित देखने को मिलता है, काफ़ी चर्चा में देखने को मिलता है। क्योंकि जब से RBI ने यहाँ पर कहा है कि लॉकिंग पीरियड IDFC का ख़त्म हो चुका है और अब वो चाहें तो प्रमोटर जो है वहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं, तब से ये शेयर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, प्लस IDFC में भी काफ़ी बेहतरीन आपको तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन एक और अब खबर निकल के आ रही कि हो सकता है कि IDFC फर्स्ट बैंक फिर से IDFC के साथ रीमर्ज होती हुई नज़र आ जाए। तो क्या पूरा मामला है और क्या इससे आपको स्टॉक के अंदर बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और क्या 100 रुपये के लक्ष्य आपको आने वाले समय में ये बैंक कमाता हुआ नज़र आएगा, या 100 रुपये का लेवल आपको ये टच करता हुआ देखने को मिल सकता है, तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो दोस्तों आप पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो आप जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जी, सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक के क्लोजिंग देखते हैं, यहाँ पर फ्राइडे को क्या देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, IDFC फर्स्ट बैंक ने यहाँ पे फ्राइडे को 51 रुपये 25 पैसे पे क्लोजिंग दी है। 90 पैसे आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, 1.73% की गिरावट है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा IDFC फर्स्ट बैंक फ्राइडे को इतना ज़्यादा कोई खास तो करता हुआ देखने को नहीं मिला, लेकिन पिछले 5 दिन की बात करूँगा तो स्टॉक करीबन 5% से ज़्यादा आपको यहाँ पे टूटता हुआ देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में आप देखेंगे तो 12% से ज़्यादा की गिरावट, और पिछले 6 महीने में स्टॉक सिर्फ 6% के आसपास आपके रिटर्न कमा के देता हुआ नज़र आया। तो कोई खास यहाँ पर हमको बड़ी तेज़ी होती हुई देखने को नहीं मिली है, और स्टॉक लगातार दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा रहा है। पिछले 5 साल का चार्ट आप देखेंगे तो अभी आपको स्टॉक 0.68% नीचे देखने को मिलता है, और पिछले 5 साल में आप देखिए स्टॉक यहाँ पे आपको 79.85 जाके आया था, उसके बाद से लगातार कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और मैक्स अगर हम देखते हैं तो अभी भी आपको देखने को मिलेगा करीबन स्टॉक आपको 19 रुपये 15 पैसे नीचे गिरा हुआ देखने को मिलता है। तो स्टॉक के अंदर कभी भी कोई खास आपको तेज़ी होती हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन कंपनी का जो डेफिनेटली बैंक का जो काम है, उनका जो बिज़नेस है, वो बहुत बढ़िया लगातार आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अभी खबर निकल के आई थी IDFC के कारण कि IDFC हो सकता है कि प्रमोटर से एग्ज़िट ले ले। तो ये क्या था मामला, देखिए सबसे पहले इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, IDFC का जो स्टॉक था वो 17% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल गया, 52 हफ्तों का हाई बना लिया, जब RBI ने कह दिया था कि IDFC फर्स्ट बैंक से आप चाहें तो एग्ज़िट ले सकते हैं, और अगर आपको यहाँ से निकलना है तो डेफिनेटली आप एग्ज़िट कर सकते हैं। जो लॉकिंग पीरियड होता है वो आप यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। देखिए, RBI की एक नियम है, नियम कायदे होते हैं, जिसमें जो पेरेंट कंपनी होती है, IDFC फर्स्ट बैंक की पेरेंट कंपनी IDFC है। जब IDFC फर्स्ट बैंक आया था तो प्रमोटर IDFC था, और ये दोस्तों उस समय एक नियम था कि जो भी प्रमोटर रहेगा या फिर पेरेंट कंपनी रहेगी, वो 5 साल तक आपको एग्ज़िट करती हुई नज़र नहीं आ सकती है। और जो लॉकिंग पीरियड था वो अब आपको पूरा ख़त्म होता हुआ देखने को मिला है। देखिए, जो 5 ईयर लॉकिंग पीरियड मैंडेट हैज़ बाय द RBI हैड एंडेड, तो ये एंड होने के कारण आपको IDFC के अंदर एक बड़ा उछाल देखने को मिला था, और वो शेयर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल गया था। और ये बहुत ही बड़ी खबर थी दोनों के लिए, बिकॉज यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि दोनों के लिए जो खबर थी, जिससे IDFC को भी फ़ायदा होता अगर वो स्टेक बेचते थे, तो अपना स्टेक बेच देते, करीबन 36.56% वो स्टेक होल्ड करके रखते हैं, और लगातार दोस्तों होल्ड करके रखने, क्योंकि अक्टूबर 2015 से वो ये होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो अगर यहाँ पे बेचते तो डेफिनेटली आपको प्राइस मिलती भी देखने को मिलती। लेकिन फिर से एक और खबर निकल के आ गई है कि हो सकता है कि आपको IDFC फर्स्ट बैंक फिर से रीमर्ज होता हुआ नज़र आ जाए। अभी क्या खबर है, इसका मायने क्या है, ये आपको बताता हूँ। तो देखिए, खबर क्या है, पेरेंट कंपनी IDFC में मर्ज होगा IDFC फर्स्ट बैंक। बहुत ही बड़ी खबर है ये, क्योंकि अगर ये मर्ज फिर से आपको होता हुआ देखने को मिलेगा तो याद रखिए ये दोनों के लिए बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए, RBI ने लॉक इन पीरियड के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के रिवर्स मर्जर को अनुमति दे दी है। इस फैसले के तहत आपको देखने को मिलेगा इक्विटास होल्डिंग्स और उज्जीवन फाइनेंस के बाद IDFC ग्रुप अपने बैंक IDFC फर्स्ट बैंक के रिवर्स मर्जर के बारे में सोच रहा है। वेरीफाइड खबर पूरी नहीं है ये अभी आपको प्रोसेस होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन ये प्रोसेस दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको काम आता हुआ देखने को मिलेगा अगर ऐसा हो जाता है तो। अब क्यों, देखिए ये आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे दोनों स्टॉक के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिली है, IDFC ज़्यादा चला है, IDFC फर्स्ट बैंक इतना खास प्रदर्शन आपको करता हुआ देखने को नहीं मिल पाया है।
लेकिन जब IDFC फर्स्ट बैंक आपको फिर से रिवर्स मर्जर यानी री मर्जर होता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, तो आप मान के चलिए ये दोनों के लिए, दोनों के बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए IDFC के लिए अहम लेवल, मनी कंट्रोल में छपी रिपोर्ट में मुताबिक कोटक सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि IDFC शेयर को लेकर कहा है कि 22 जुलाई को इस शेयर में कारोबार के दौरान 19% तक उछाल आया था, लेकिन बाजार बंद होते होते ही 60 रुपये के ऊपर नहीं टिक पाया। तो अगर स्टॉक आपको IDFC 59 के ऊपर टिक जाता तो एक बड़ी तेज़ी होती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन इससे हमको IDFC फर्स्ट बैंक के लिए कुछ खास बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे ही देखिए आपको रिवर्स मर्जर को अनुमति मिलती है, इसके कारण आप देखेंगे तो इन शेयरों के अंदर बड़ी तेज़ी होती हुई देखने को मिलती है। याद रखिएगा इक्विटा स्मॉल फाइनेंस का केस, जैसे ही वो खबर निकल के आई इक्विटा स्मॉल फाइनेंस के अंदर क्या शानदार तेज़ी देखने को मिली है। और अगर ये खबर आपको पूरी होती हुई नज़र आ जाती है और अगर ये खबर आपको कंप्लीट होती हुई नज़र आ सकती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा IDFC को नहीं होगा लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक को होगा, क्योंकि पेरेंट कंपनी है IDFC। IDFC फर्स्ट बैंक होने जा रही है रीमर्ज, तो आप मान के चलिए ये खबर IDFC फर्स्ट बैंक के निवेशकों के लिए बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर कंपनी वापस से ये रीमर्ज कर लेती है तो आप मान के चलिए इस शेयर को बढ़ने से कोई आपको रोकता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपको मैंने कहा कि 36% के आसपास की वो हिस्सेदारी रखते हैं, और अगर वो वापस से रीमर्ज हो जाता है तो कंपनी फिर से रिवर्स मर्जर को आगे बढ़ाना चाह रही है। डी मर्जर के बारे में कहा गया था लेकिन IDFC ने डी मर्जर के ऊपर कुछ नहीं कहा, और वो हो सकता है कि फिर से उस कंपनी को मर्ज करते हुए नज़र आ जाए। तो ये कंपनी के लिए खबर स्पेशली IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर दोस्तों ये हो जाता है तो इससे डिफरेंसेस क्या आएंगे, सबसे पहली बात कंपनी का मैनेजमेंट और आपको सुधरता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी किसी कंपनी को लेती है अपने अंदर मर्ज करती है तो डेफिनेटली सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आपको पड़ता हुआ देखने को मिलता है मैनेजमेंट के ऊपर देखने को मिलता है। और मैनेजमेंट दोस्तों अगर यहाँ पे आपको और बढ़िया काम करता हुआ देखने को मिलेगा तो कैसे भी आपको स्टॉक के ऊपर उसका इफेक्ट आता हुआ नज़र आएगा, जो आपको आगे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एंड ये प्रोसेस दोस्तों डेफिनेटली थोड़ी सी बड़ी है, इतनी आसानी से आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाजार में खबरें जो आती है उसके ऊपर भी स्टॉक आपको काफ़ी रिएक्ट करते हुए नज़र आते हैं, और ये खबर भी डेफिनेटली निकल के आई है तो आगे रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पक्का नहीं है, बिकॉज ये फ्राइडे को ऑलमोस्ट खबर आउट हो चुकी थी, मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। बट जो स्पेशल बात है इसमें कि ये खबर के कारण कंपनी का मैनेजमेंट सुधरेगा, कंपनी का बिजनेस का जो चेंज है वो मॉड्यूल से आपको सुधरता हुआ देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात एक प्रोफेशनली मैनेज एंटिटी ये दोस्तों आपको होती हुई देखने को मिल जाएगी, जिसके कारण शेयर प्लस कंपनी दोनों बढ़िया करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं इसके टारगेट्स के ऊपर, क्या कैसा कर सकता है दोस्तों ये स्टॉक, इसके टारगेट्स आपको क्या देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे शेयर के चार्ट पे फिर से जाएं तो फ्रेंड्स आपको जो इसका 52 वीक हाई बनता हुआ देखने को मिलता है 69 रुपीज़ का देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद से आप देखिए शेयर के अंदर आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार कंसोलिडेशन की चपेट में आता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन ये साफ साफ दिखा रहा है कि 50 रुपये के नीचे मैं नहीं जाऊँगा। 50 रुपये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके नीचे नहीं जा रहा है, जब भी नीचे आता है उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद आपको स्टॉक के अंदर वहाँ से ही बाइंग बनती है जो फिर वापस से शेयर को देखिए ऊपर लेके जाती है। तो 50 रुपये का SL लगा के चलिए, जो भी भाव पे मिल रहा है करंट लेवल के आसपास इसको उठाइए, करंट लेवल के आसपास बिल्कुल सही जगह है इस शेयर को बाय करने की। टारगेट रखिए दोस्तों यहाँ से आप कम से कम अगले एक साल का, या फिर अगर आप इस साल के अंत तक कभी पूछेंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम 65 रुपये से लगाकर 80 रुपये तक का लेवल आपको ये दिखा सकता है, और अगर 80 रुपये के ऊपर निकल जाएगा तो 100 रुपये का लेवल भी काफ़ी आसानी से देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये खबर आ जाती तो आप मान के चलिए 100 रुपये का लेवल भी बहुत आसानी से टच होता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।